This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द क्विरल पोएम को। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है या फिर नोकझोंक हो जाती है। तो ये पोएम उसी के ऊपर है। I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was slight. The end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उनकी अपने भाई के साथ बहसबाजी हो जाती है, एक तरीके से लड़ाई टाइप हो जाती है। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बात करते हैं, कुछ ना कुछ वो बोलता है कि तू गलत था, वो बोलता है तू गलत था। ये जो लड़ाई थी पहले तो बहुत छोटी सी थी और अब तो पोएट को ये भी नहीं याद कि लड़ाई हुई किस चीज़ की वजह से थी। तो पहले थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती गई, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लड़ाई होने लगी। दोनों पावरफुली एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। उनका भाई बोलता है मैं सही था। पोएट को लगता है नहीं भैया, आप गलत थे। तो ऐसे ही लड़ाई बढ़ती रहती है। We hated one another और दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। जो उनकी दोपहर थी वो भी एक तरीके से काली हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है और दोनों को ही बुरा लगता है। बहुत बुरा टाइम, नेगेटिव टाइम बीत रहा था इस समय, उनका बुरा समय बीत रहा था। Then suddenly my brother thumped me on the back and said, Oh come along, we can't go on all night. I was in the wrong. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पोएट का भाई होता है अचानक से आता है और उनकी पीठ को थप थपा कर बोलता है अरे ठीक है यार, मैं गलत था, कोई बात नहीं, हम पूरी रात भर ऐसे झगड़ते नहीं रह सकते, ठीक है मैंने मान लिया मेरी गलती थी। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं सो ही वॉज इन द राइट, तो हाँ वो फिर सही था। तो एलेनोर फिर जॉन ने लिखी है ये पोएम और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये पोएम है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो यहाँ पर लिखा है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, आपको ये वाली लाइन्स रीड करनी है पोएम से और आपको डिस्क्राइब करना है एक रीसेंट क्वेरल। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, आपके भाई के साथ, बहन के साथ या पेरेंट्स के साथ कोई भी ऐसा रीसेंट क्वेरल हुआ हो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दीजिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।